तो चलिए आज हम बनाते हैं लौकी के थेपले। हमें इसको ग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने आधा किलो लौकी लिया था, उसे छील करके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसका बीज निकाल दिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और मैंने इसे धो करके रख लिया है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसके अंदर हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, दो हरी मिर्च लिया है और 5 से 6 कलियां लहसुन का और हरी धनिया, 1 से 2 चम्मच हमने हरी धनिया लिया है। तो बीज को मैंने निकाल दिया है और नींबू का रस हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डालने से ये पेस्ट हमारा काला नहीं पड़ेगा और अब इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं लौकी को मैंने अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया है और मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो चलिए हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक परात ले ली है आटा गूंथने के लिए। तो हमने लिया है गेहूं का आटा, तो 1 कप गेहूं का आटा हम ले लेंगे और इसके अंदर ये सारा पेस्ट हम डाल देंगे। तो चलिए इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डालते हैं थेपले को टेस्टी बनाने के लिए। तो हमने लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन, इसे हल्का सा क्रश करेंगे और आटे में डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हमने लिया है सफ़ेद तिल, इसे भी डालेंगे, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। 1/2 छोटा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया है, 4 पिंच हमने हींग लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है तो 1/2 छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे और डालेंगे इसके अंदर हम कसूरी मेथी, 1 चम्मच भर के हमने कसूरी मेथी ली है, इसे भी हल्का सा क्रश करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डाल देंगे आटे में और डालेंगे इसके अंदर मोयन के लिए घी, 1 से 2 चम्मच घी इसके अंदर हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर तेल भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जो मैंने लौकी का पेस्ट बनाया है इसी में इस आटे को गूंथेंगे। इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है और अगर ये गीला हो जाएगा तो सूखा आटा और डाल लेंगे इसके अंदर हम। तो अभी हमें अच्छी तरीके से मिलाते हुए इसे गूंथ लेना है। तो डो हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आटा गूंथ कर तैयार हुआ है। ढीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बस ऐसे ही आटा हमें गूंथना है। तो ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे, पूरे डो में लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो चलिए डो हमारा तैयार हो गया है थेपला बनाने के लिए। इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, एक बार इसे ऐसे मसल लेंगे, छोटी छोटी लोइयां तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। तो कुछ थेपले हमने बना करके रख लिए हैं, तो चलिए इसे फटाफट सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और आज को हमने मीडियम रखा है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो हम डालेंगे इसके ऊपर थेपला और इसे 2 मिनट तक हम सिकने देंगे एक साइड में। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम थेपले को पलट देंगे और ऊपर से घी लगा देंगे। आज को हमने मीडियम हाई किया है और पूरे थेपले में घी लगाएंगे, फिर इसे हम 2 मिनट तक सिकने देंगे। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड में भी घी लगा देंगे। तो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। हल्का सा दबाएंगे, फिर से पलट देंगे दोनों तरफ से अच्छे से, चित्ती पड़ने तक इसे हम सेक लेंगे। तो चलिए थेपला हमारा सेक कर तैयार हो गया है, इसे रखेंगे प्लेट में और दूसरा थेपला भी इसी तरीके से सेकेंगे। आप इस तरीके से थेपला बहकर रख लीजिए, आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इसे ले जाइए, 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होता है, आराम से इसे आप खा सकते हैं, खाने में टेस्टी रहता है। तो इसी तरीके से सारे थेपले हम सेकेंगे, फिर पलट देंगे, घी लगाएंगे और सारे थेपले इसी तरीके से हम सेकेंगे। तो
आप देख सकते हैं सारा थेपला हमारा बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा थेपला बनकर तैयार हुआ है, इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो चलिए गर्मा गर्म थेपले हम सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थेपला हमारा कितना सॉफ्ट बना है और खाने में तो मजा आ जाती है। बहुत ही मुलायम, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाकर आपको दिखाए हैं। तो इस थेपले को हम अचार के साथ और दही के साथ रखे हैं खाने के लिए। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ या फिर दही के साथ खा सकते हैं। इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती इसके साथ खाने की। तो बस आप फटाफट इसे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका लौकी का थेपला कैसा बना।